बेरोजगारों को खुम्ब उत्पादन कर बेरोजगार के द्वार खोलने के लिए सरकार के निर्देश पर बागवानी विभाग ने प्रयास तेज किए हैं। खुम्ब उत्पादकों को घर द्वार पर खूब खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से शिमला जिला के दत्त नगर में आधुनिक संयुक्त खुम्ब खाद उत्पादन इकाई स्थापित की है। इस इकाई के माध्यम से हिमाचल के 6 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन के खुम्ब उत्पादकों को खूब खाद की पूर्ति की जा रही है। उन्हें घर द्वार पर पहुंचाकर सब्सिडी में सस्ती दरों पर पहुंचाकर खाद की पूर्ति की जा रही है। अब खुम्ब उत्पादकों को खुम्ब खाद के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ लोगों को आधुनिक तरीके से खुम्ब उत्पादन कैसे किया जा सकता है लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इकाई के आरंभ होने के बाद से अब तक विभिन्न वर्गों के करीब 500 लोगों को इस इकाई के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इसमें से करीब 70 लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में खुम्ब उत्पादन इकाई स्थापित कर अच्छी आमदनी ले रहे हैं। बागवानी विभाग के माध्यम से इस खुम्ब खाद उत्पादन एवं प्रशिक्षण इकाई में बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। विशेषज्ञ बागवानी विभाग एवं खुम्ब खाद उत्पादन इकाई दत्त नगर प्रभारी डॉक्टर के एल कटोच ने बताया, यहाँ लगातार खुम्ब खाद बनाने की प्रक्रिया जारी है। इस इकाई के अंतर्गत 6 जिले के खुम्ब उत्पादकों को खुम्ब खाद की आपूर्ति की जा रही है। खुम्ब खाद उत्पादन इकाई दत्त नगर प्रभारी डॉक्टर के एल कटोच ने बताया कि बेरोजगारों को स्वरोजगार की ओर ले जाने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, खुम्ब उत्पादन कार्य सरल एवं आर्थिक रूप से भी सही है। महिलाएं भी इस कार्य को कर अच्छा पैसा कमा सकती हैं। अब तक विभिन्न वर्गों के करीब 500 लोग इस इकाई से खुम्ब खाद बनाने का प्रशिक्षण ले चुके हैं। मैं केल कटोच, एसएमएस हॉर्टिकल्चर, रामपुर एंड मशरूम कंपोस्ट यूनिट कम ट्रेनिंग सेंटर दत्तनगर में कार्यरत हूँ। तो यहाँ जो हमारे दत्तनगर कंपोस्ट यूनिट और ट्रेनिंग सेंटर है, तो इस कंपोस्ट यूनिट से अभी तक इस साल हमने 41 मीट्रिक टन कंपोस्ट तैयार करके बागवानों में बांट दिए मशरूम ग्रोवर में, और अभी हमने एक थर्ड लॉट और डाल दिया है। उससे हम लगभग इसको हम ले जाएंगे 60 मीट्रिक टन तक, और टारगेट हमारा 50 मीट्रिक टन का है। और साथ में जो हम यहाँ बागवान को ट्रेनिंग देते हैं, तो अभी तक हमने 395 जो है जनरल एससी और एसटी कैटेगरी फार्मर को ट्रेन किया है, और ओटीए में जो आते हैं वो 100 फार्मर को हमने ट्रेन किया है। और इस कंपोस्ट की अभी तक 60-70 मशरूम ग्रोवर काम कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का यह है कि जो बेरोजगार हमारे हैं उनकी को स्वरोजगार बनाना, ताकि अपना आर्थिकी बढ़ा सके, इसलिए ये उपक्रम चलाया हुआ है। और बहुत अच्छा और आसान कार्य है, इसको घर बैठे कर सकते हैं, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।